मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो ये सुबह का समय हो गया है और हमने नहा धो लिया, थोड़ा बहुत ज्यादा ऐसे लाइट मार रहा है चेहरा पे। ये देखो यहाँ पे कपड़े हमने रख दिया था, इनका मन नहीं भाया तो इन्होंने फिर से कपड़े वगैरह रख रहे हैं। मन नहीं भाया तो फिर से रखा नहीं था ना। कृतिक तैयार हो गया, प्राची तैयार हो गई, हम तैयार हो गए, हम तैयार बैठे हो गए। यहाँ पूजा कर रही है। अरे बता दो, तुम लोग दस दस कपड़ा रख रहे थे, कैसे जाता है? क्यों पीछे आ गए हो? हम सब इंसान बिल्ड निकाल देता है बाहर। कोट पैंट नहीं पहने यार। अपने भी आवा फुटबॉल पैंटवा निकाल। बोला मम्मा में यार। ओ गाइस, नाश्ता आ गया है। इनका नाश्ता अलग है। दीदी हैं, क्या लग रहा है, कहाँ जा रहे हैं तुम बताओ? कहाँ से सूट पहनी है तो कहीं सूट वाली जगह भी जाएंगी। आज हम जाएंगे बीच पर। आप लोगों के इतने कमेंट्स आए हैं, इतने कमेंट्स आए हैं कि हमने सोचा हम भारतीय संस्कारी नारी बनेंगे आज, तो इसीलिए हम बीच पर जाएंगे सूट सूट पहनकर। ओके गाइस, अब तो आप खुश रहेंगे। लो यार, मिठाई तो असूल गया हमारा जो लेके आए थे, मतलब बढ़िया मिठाई था ना। मोनिका के यहाँ का था, बोला हम गाइस ये मेरा फेवरेट है, ये मैं खाऊंगी। हमके चखे दुआई दे यार। ये अभी नहीं आएगा, फ्राइडे को मिलेगा। नहीं खरीदे जब आया, छोड़े हमें लोगों के छोड़ने भी आ गए। नहीं जैसे मिले आए गए, अगर गए वहाँ से लोनावला घूमने तो ये लोग आ जाएंगे वहाँ से, ट्रेन चला रहेगा तो। क्या नमकीन की है? नमकीन चकली दोनों ना। कैसे हो? और पका के क्या चाहिए? पका नहीं है क्या? कब से तो पक रहा है, बहुत है इतना। अब क्या उसको दही बनाना है? पका पका आओ, नीचे आ रहा हूं। तुम आओ मम्मी, मौसी को ये चाहिए। क्या जब आना तो हां लेके आएंगे। जाएंगे फ्राइडे को खरीद। हां पानी लेके आ रहे, बोले पानी। अब ये तो मोबाइल बच्चे हैं, ये तो मैं कंट्रोल में नहीं आई हूं, मतलब पता नहीं कभी चुराई की वजह से सारी प्रॉब्लम हो रही है। सारी को नॉर्मल निकल रहा था, कुछ भी नहीं। ऐसा 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 उनका चेकअप होता था कि जितो भाई आते थे वो देख के दंग रह जाते थे। ऐसा कौन सा ऐसा नहीं था कि उनका चेकअप नहीं हुआ। और चेकअप के दौरान उनकी रिपोर्ट में सब नॉर्मल, सब नॉर्मल, कुछ भी नहीं निकलता था। यहाँ तक कि एड्स वगैरह का सब कुछ रिपोर्ट निकला। लास्ट चेकअप था, फिर उसके बाद होता है ना कि लास्ट चेकअप था मम्मी हमारी स्कूल की। आना जाना तो हम लोग का लगा रहता था, चलो तारीख को हम मिल के आए, माए चाची मम्मी। तो जैसे ही हम लोग हॉस्पिटल में एंट्री कर रहे हैं तो मम्मी बोले, मम्मी आज मेरे लिए कुछ नहीं लेके आई हैं। तो क्या करेंगे कि भैया तो कुछ खा बना करते तो क्या लेके आई? अच्छा मम्मी कल हमारे बड़े सवेरे जबकि कभी लौकी नहीं खाते थे, ना कभी करेला खाते थे, कुछ भी नहीं खाते थे। और मैं आ रही थी तो उनका वो सोचाते थे कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, लेकिन मेरा आरओ साढ़े 300 का था। जब भी मैं हॉस्पिटल में लेके जाती थी तो डॉक्टर मुझे इतना चिल्ला रहा था, यहाँ आई हूँ इंफेक्शन लेने, बच्चे को यहाँ तो नहीं आई हो, और छोटा बच्चा रहता है तो लेकिन माँ के बगैर नहीं जा सकता है। तो साथ में सास ससुर और दीपक भाई हॉस्पिटल में लेके एडमिट, मतलब वहाँ रहते थे, ताकि वो लोग वहाँ रहते थे। तो 14 तारीख को जब मैंने किया, जब कहे कुछ नहीं मोबाइल मेरे हाथ में था, उसके पन्नी उन्नी सब मेरे हाथ में था, सब ले लिए। और तुरंत मैं बोल रही हूँ कि क्या हुआ, चीज़ा कहाँ है? दोनों लोग सब भी मेरे मेरे कंधे पे। कंधे पे सर मेरे रख के दोनों को रोने लगे। फिर सामने जा रही हूँ, मेरी सास मुझे पकड़ के रोने लगी। तो मैं सोच रही हूँ क्यों सब रो रहे हैं, लास्ट चेकअप है तो रो क्यों रहे हैं? तो जबरदस्ती मुझे गाड़ी में बैठाए और बैठा के जब लेके आने लगे तब मैं देख रही हूँ कि आगे उनको बीच वाले सीट में बैठाएंगे। मम्मी मैं बोली मम्मी इनको
कहीं कुछ नहीं, फिर पीछे देख रही है गाड़ी भर के सब, मेरे मायके वाले मम्मी चाचा चाचा सब लोग आए। कहानी ही खत्म हो गई, जब जिसकी दुनिया उजड़ जाती है वही जानता है कि कैसे इंसान क्या होता है। उस समय तो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरे हाथ में ना मेरा पति है ना मैं, अब कैसे जीऊँगी, किसके लिए जीऊँगी। यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ, सारे लोग निकल रहे हैं, प्राची ने अपने कपड़े चेंज कर दिए क्योंकि हम लोग का जहाँ का प्लान था वो कुछ छोड़े तो नहीं हो? नहीं, सब कुछ तो रख लिया है, बैग ले लिया। अरे मिल गया सबको। अरे बोला नेक खाने का दे रहे हैं, मैंने सब कुछ बना कर दिया। कौन भेजेगा उसको? अब यही था एक बार, इस हालत में निकलना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं। अरे कोई बात नहीं, छोटे छोटे बच्चे क्या हुआ, लाइट भी कट गई है, सोचो लाइट को भी अभी जाना था। वो आपका स्लीपर नहीं है, ये रख देना सबसे। हमने तो हम सोचे थे जाएंगे दर्शन करने, जुदा नहीं लगी। कहाँ जा रहे हो? यहाँ सब समय का खेल है, मुंबई में। कैसे कैसे इतना क्यूट लग रहा है ना। बस ऑटो आ गया नीचे तो हम यहाँ से निकल रहे हैं। आ गया नहीं आया, नीचे आ गया। 600 ले रहा है ऑटो वहाँ जाने का। दो ऑटो जाएंगे, दो एक ऑटो में आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? एक ऑटो में तीन ही लोग बैठते हैं, पीछे दो लोग आगे हो जाएंगे, चार लोग हैं ना हम। कहाँ? एक दो तीन, दो आगे लोग। अब ये अरे इसको बीच में ले लेंगे ना, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, हम ही आगे हो जाएंगे, हम लोग आगे हो जाएंगे, बीच में बढ़ जाएगा, हो जाएगा। बंद करो तो चलो रितिक, रितिक रितिक आ गया। मम्मी कहाँ हैं? मौसी तो गए। इस ब्लॉग को एंड करते हैं, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं। और कल की रात की वीडियो बहुत ज़्यादा इमोशनल था, तो सच में बहुत ज़्यादा रोना आया, बहुत बहुत जाके भी सोचो कि अगर ना रोए ना फिर भी आँखों में आंसू आ ही जाता है। खुद को भी नहीं इंसान रो पाता है कि नहीं चलो ना रोए ना करें, लेकिन ऐसी वो बात ही रहती है कि जो रोक ही नहीं पाते।